आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। चतरा, कोडरमा और पलामू पर होगा बड़ा खेल। चौकाऊ चेहरे की फिराक में भाजपा को अन्नपूर्णा और गिरिनाथ का इंतजार। राजद के राष्ट्रीय सचिव जनार्दन पासवान थामेंगे भाजपा का दामन। झारखंड में 10 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी घोषित। बिहार में मंत्री गिरिराज और कन्हैया तथा सिने स्टार शत्रु और रविशंकर आमने सामने। लोजपा में एक छोड़ सारे टिकट पासवान के पास, खुद जाएंगे राज्यसभा। सेंट्रल बैंक के लॉकर में रखे लाखों के गहने गायब, मचा हड़कंप। बैंक कर्मियों की मिलीभगत का आरोप। आज की राजनीतिक हलचल। पॉलो सूरी ने फिर तरेरी आंख, कहा निर्दलीय भी लड़ सकता हूं। भाजपा ने झोंकी ताकत, रविवार से विजय संकल्प सभा। आज की प्रमुख हेडलाइंस। पलामू में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। अखिलेश गैंग के शूटर पर नीरज गिरोह ने किया जानलेवा हमला। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड की 13 में से 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के साथ ही भाजपा के भीतर रांची, कोडरमा और चतरा सीटों के लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। रांची, चतरा और कोडरमा सीट पर फैसला अभी नहीं हुआ है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीनों सीटों पर कोई बड़ा खेल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार रांची के वर्तमान सांसद रामतहल चौधरी को फिर से टिकट मिलने के रास्ते में उनकी उम्र आड़े आ रही है। उधर चतरा में वर्तमान सांसद सुनील सिंह के नाम पर भी आपत्ति जताई गई है। कोडरमा में डॉक्टर रविंद्र राय के नाम पर पार्टी के भीतर ही विरोध हो गया है। ऐसे में इन तीनों सीटों पर नया उम्मीदवार उतारने की जरूरत पार्टी महसूस कर रही है। उनके सामने दुविधा यह है कि किसे उतारा जाए। इसलिए इन तीनों सीटों पर संभवतः ऐसे नामों पर विचार चल रहा है जो चौंकाने वाला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार रविवार को हजारीबाग में भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा के बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। भाजपा के निवर्तमान सांसद रामतहल चौधरी को मनाने की भाजपा की अब तक की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के एक बड़े नेता ने तीसरे पहर रामतहल चौधरी को फोन कर सलाह दी कि वह खुद चुनाव लड़ने से मना कर दे, लेकिन चौधरी इसके लिए तैयार नहीं हुए। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि चौधरी भाजपा से टिकट नहीं मिलने की हालात में कोई दूसरा रास्ता भी खोज सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा ने कोडरमा और चतरा सीट होल्ड पर रखा है। शनिवार को पूरे दिन इस बात की चर्चा होती रही कि राजद में एक बड़ी टूट होने वाली है। चर्चाओं के बाजार में राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह के जल्द भाजपा का दामन थामने की बात होती रही। सूत्रों का कहना है कि बातचीत पलामू के संजय सिंह यादव से भी की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इधर जब अन्नपूर्णा देवी से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो कोडरमा में बताया गया कि वह रांची में है, और जब रांची में संपर्क की कोशिश की गई, तो वह उपलब्ध नहीं थी। उधर जब इस संबंध में गिरिनाथ सिंह से संपर्क किया गया, तो उन्होंने एक कहावत कही, चाक डोले चकडूमर डोले, खैरा पीपल कभी न डोले। यह कहावत कहने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप अर्थ निकाल लीजिए। इधर झारखंड में राजद को 2 सीट नहीं मिलने के कारण पार्टी में टूट के प्रबल आसार हैं। राजद के राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि राजद में मान सम्मान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें टिकट की कोई लालसा नहीं है, लेकिन काम करने वाले कार्यकर्ताओं को काम भी नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में कोई भी नेता या कार्यकर्ता क्या करेगा। एक सवाल पर दो टूक कहा कि अभी तक तो राजद में है, लेकिन जल्द ही भाजपा का दामन थामेंगे। नेता और कार्यकर्ताओं को छोड़िए, पार्टी की सामूहिक मांग पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में पार्टी छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। बताते चले कि राजद की ओर से महागठबंधन से 2 लोकसभा सीट चतरा और पलामू की डिमांड लगातार की जा रही है। हालांकि महागठबंधन में राजद को 1 सीट ही देने पर सहमति बनती दिख रही है। इसी कारण पार्टी के टूट के आसार बनते जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में भाजपा ने अपने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इनमें खूंटी से कड़िया मुंडा का टिकट कट गया है।
उनकी जगह पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा उम्मीदवार होंगे। जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, पीएन सिंह, लक्ष्मण गिलुवा, विद्युत वरण महतो, निशिकांत दुबे और वीडी राम पुनः उम्मीदवार के रूप में नजर आएंगे। आइए अब जानते हैं जगह और उम्मीदवारों के नाम। हजारीबाग से जयंत सिन्हा, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से सुदर्शन भगत, धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह, चाईबासा से लक्ष्मण गिलुवा, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, गोड्डा से ऋषिकांत दुबे, पलामू से वीडी राम, दुमका से सुनील सोरेन, राजमहल से हेमलाल मुर्मू। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। केवल एक खगड़िया सीट से लोजपा उम्मीदवार के नाम की घोषणा बाकी है। इस बार बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा और केंद्रीय मंत्री रविशंकर तथा जेएनयू के कन्हैया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज का मुकाबला दिलचस्प होगा। शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटना और नवादा सीट पर अड़े रहने के बावजूद गिरिराज को बेगूसराय से मैदान में उतारा जाना अधिक चर्चा में रहा। वहीं बेगूसराय में जबकि भाकपा की ओर से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मैदान में हैं। गिरिराज सिंह पिछली बार नवादा से चुने गए थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई। सूची में पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के स्थान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भाजपा ने मैदान में उतारा है। अब शत्रुघ्न सिन्हा यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रविशंकर को टक्कर देते नजर आ सकते हैं। शाहनवाज हुसैन का नाम भी पार्टी की ओर से जारी लिस्ट में नहीं है। इसी तरह नवादा सीट गठबंधन के साथ ही लोजपा के खाते में जाने की वजह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बेगूसराय से मैदान में उतारा गया है। हालांकि वह अपनी सीट बदलने को लेकर पहले से ही नाराजगी जता चुके हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भाजपा ने पाटलिपुत्र सीट से बरकरार रखा है। इसके अलावा प्रमुख चेहरों में पूर्वी चंपारण से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सारण से राजीव प्रताप रूड़ी मैदान में होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय को उजियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बक्सर सीट बरकरार रखी गई है। लोजपा ने बिहार की 5 सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा की है। इनमें से वैशाली को छोड़ अन्य सभी सीटें पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने अपने घर में ही रखी है। वैशाली से वीणा देवी को टिकट दिया गया है, जबकि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जमुई से लड़ेंगे। हाजीपुर से रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, समस्तीपुर से संबंधी रामचंद्र पासवान और नवादा से दामाद चंदन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। रामविलास पासवान खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वह राज्यसभा में जाने की तैयारी में हैं। अब नजर डालते हैं आज के 5वीं प्रमुख खबर पर। राजधानी के ओसीसी कंपाउंड स्थित सेंट्रल बैंक के लॉकर संख्या 121 से करीब 2.5 लाख के जेवरात गायब हो गए। इसकी डेली मार्केट थाना में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। FIR नेशनल इंश्योरेंस के रिटायर्ड बीमा कर्मी किशोर कुमार सिन्हा ने दर्ज कराई है। किशोर कुमार सिन्हा ने कहा कि पिछले 2 फरवरी को शादी में जाने के दौरान लॉकर में रखे गहनों में से कुछ गहनों को निकाला था। शादी से लौटकर बीते 15 मार्च को गहने वापस रखे गए। इस दौरान लॉक नहीं खुला। दूसरे दिन 16 मार्च को उन्हें कॉल कर कहा गया कि लॉक खोलने वाला पहुंचा है, बैंक आ जाए। जब किशोर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो लॉक खोला गया तो लॉकर में रखे करीब 2.5 लाख के गहने गायब थे। इसकी शिकायत उन्होंने शाखा प्रबंधक से की। इसके बाद थाने में FIR दर्ज करवाया। किशोर कुमार सिन्हा ने बैंक कर्मियों की मिली भगत से गहनों को गायब करने का आरोप लगाया है। हालांकि बैंक के सीनियर मैनेजर प्रेम शंकर शरण का कहना है कि बैंक लॉकर से सामान का गायब होना संभव नहीं है। भारी सुरक्षा के बीच बैंक के लॉकर बंद रहते हैं। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। पोलो सूरी ने फिर तरेरी आंखें, कहा निर्दलीय भी लड़ सकता हूं। झामुमो के विधायक पोलो सूरी एक बार फिर पार्टी के खिलाफ आंखें तरेरी हैं। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी उन्हें खूंटी से लोकसभा का टिकट दे, अन्यथा वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इससे पहले भी पोलो सूरी ने कोलेबिरा उपचुनाव में इनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को समर्थन देने पर सवाल खड़ा किया था। शनिवार को कहा कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा गठबंधन को परास्त करने के लिए धर्मनिरपेक्ष विचारधारा और सामाजिक समीकरण को मजबूत कर चुनाव लड़ना जरूरी है। भाजपा ने झोंकी ताकत, रविवार को विजय संकल्प सभा। प्रदेश भाजपा रविवार से राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्र में विजय संकल्प सभा आयोजित करने जा रही है। इसके तहत रविवार को जमशेदपुर, चाईबासा और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें पार्टी के कई केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री सह विधायक अनंत ओझा ने बताया कि रविवार को चाईबासा में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। वहीं जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और हजारीबाग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। 26 मार्च को मुख्यमंत्री रघुवर दास दो जगहों पर और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एक जगह पर आयोजित विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत और पार्टी के नेता राम विचार नेताम और चुनाव प्रभारी मंगल पांडे भी विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पलामू में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। ये हथियार माओवादियों ने छिपा कर रखे थे। लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए माओवादियों द्वारा तैयारी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अखिलेश गैंग के शूटर पर नीरज गिरोह ने किया जानलेवा हमला। जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में गैंग वॉर की खबर है। जेल में बंद दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। डॉन अखिलेश सिंह के शूटर हरि सिंह पर नीरज दुबे गिरोह के रोहित सिंह उर्फ पटपट और अमित मिश्रा ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू होते ही पूरे जेल में अफरा तफरी मच गई। पूरा जेल प्रशासन हरकत में आ गया और बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया जा सका। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।